देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुबोध उनियाल ने किया एसटीपी का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, एसटीपी की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों ने गंदा पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया था। गंदा पानी सप्लाई करने वाली कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। चोर पानी में 5.5 ml का बनाया गया है एसटीपी। तो बड़ा आदेश यहां पे सुबोध उनियाल ने जारी किया है, एसटीपी का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, लगातार मॉनिटरिंग करने का भी यहां पे आदेश दिया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने गंदा पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया था। तो जो एसटीपी यहाँ पर बनी है, जो कि अभी ये पूरी तरह से कंप्लीटली ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें अभी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था है। तो आज भी लगाया तो आज काफ़ी लगाई काफ़ी चीज़ दोस्त है, लेकिन आम आदमी की शिकायत है उसको देखते हुए लगता है कि इसका जो मैनेजमेंट है इसके और ज़्यादा काम करते जा सकता है, ताकि जनता में इनके प्रति एक अच्छी भावना बन सके।